हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता है किचन गार्डन के लिए खाद की भी ज़रूरत होती है। तो अब जो है समय जो है दूसरी फसल लगाने का है, कई लोगों ने लगा भी दी है और मैंने जो है अपनी किचन गार्डन में अभी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगाया है। तो अब लगाने के लिए जो है खाद की ज़रूरत है। तो अभी मैं इस समय आई हूँ गौ सदन में, जहाँ पर जो है खाद जो है वो इस तरह से बैग में ले जाऊंगी और अपने किचन गार्डन में डालूंगी, और जिससे जो है मेरी सब्जियां जो होंगी किचन गार्डन में वो उपजाऊ होंगी और अच्छी। तो हर बार जो है मैं यहीं से लेके जाती हूं। तो अभी मैं नीचे से देखूंगी, काफ़ी नीचे से जो है ये खाद जो है निकालूंगी, काफ़ी मैली खाद जो होती है यहाँ पर, और काले रंग की जो खाद होती है, गोबर की ये खाद है। और गोबर की खाद में खाद जो है वो खेतों के लिए सबसे बढ़िया खाद होती है। तो आज मैं यहाँ जो है वो खाद लेके जाऊंगी। तो देखिए, तो बारिश हुई थी पहले, बरसात के दिन है तो ये गोबर बड़ा ही ज़्यादा गीला है ना, और भारी भी बहुत है। पर क्या करना, अब किचन गार्डन में डालना तो आया, तो हमने जितना भी ये जो भी गोबर था अब नीचे से उखाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे से निकालने का, क्योंकि नीचे तो बहुत ज़्यादा गीला है और ऊपर से निकाल दी और थक चुकी हूँ। देख लो, 1, 2, 3, 4, 5 बोरू भर लिए हैं, काफ़ी होंगे, मेरे को लगता है 2 अभी और भरने हैं और इस सीज़न के लिए अपने किचन गार्डन की के लिए खाद जो है वो पूरी हो जाएगी। तो देख लो कैसे कैसे बड़े बड़े कीड़े हैं और इसमें गोबर में, बरसात का टाइम है ना, तो क्या करना। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ट्रैक्टर की सवारी करने जा रही हूँ, गौ सदन में आई हूँ। आपको बताया कि आज हमने खाद जो है वो किचन गार्डन के लिए ली है, और ये अपने आजाद गबरू भाई हैं और इनकी गाड़ी यहाँ पे तूड़ी छोड़ने आई थी, तो आज मैंने सोचा कि ट्रैक्टर की सवारी की जाए। तो चलिए देखिए, पहली बार ट्रैक्टर।
फ्रेंड्स घर आ चुके हैं हम, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया ट्रैक्टर की सवारी की, और ये गोबर भी घर आ चुका है। अब इसको जो है एक दो दिन के लिए खुला छोड़ देंगे और यहाँ पे बिखेर देंगे। चलो उठाते हैं, लेके आते हैं यहाँ तक और फिर डालते हैं।